नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। भारतीय सेना ने मणिपुर में सेना पर हुए हमले के बाद उग्रवादियों को करारा जवाब दिया है। सेना ने म्यांमार में घुसकर उन उग्रवादियों को मार गिराया जिन्होंने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने देश की तरफ आंख उछाने वालों को जवाब दे दिया है। भारतीय सेना ने अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मणिपुर में शहीद हुए जवानों के गुनहगार मारे गए हैं। 4 जून को मणिपुर के चंदेल इलाके में डरपोक आतंकवादियों ने पीठ पीछे हमला करके देश के 18 वीर जवानों की बरी ले ली थी। भारत के वीर योद्धाओं पर पीठ पीछे हमला करने वालों का अंत भी निश्चित था। इसके लिए भारतीय सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 4 जून को हुए हमले में 30 आतंकी शामिल थे। इनमें 17 KYKLK और बाकी NSCN के आतंकी थे। हमले के बाद ये आतंकी 2 से 3 गुटों में बंटकर जंगलों में गायब हो गए थे। ऑपरेशन के दौरान सेना को खुफिया रिपोर्ट से जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी भारत म्यांमार सीमा पर छिपे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सेना ने मंगलवार सुबह ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सेना के जवान म्यांमार सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए और म्यांमार की सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर 40 से ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन से भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने जवानों की मौत का बदला लिया है बल्कि देश की तरफ गलत निगाह रखने वाले लोगों को भी चेतावनी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बुधवार को ईटानगर में भूस्खलन हुआ जिसमें पी सेक्टर स्थित एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रकृति के कहर की ये तस्वीरें हैं ईटानगर की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने एक परिवार से उनका घर छीन लिया। पी सेक्टर स्थित तोपे बोजे का घर मंगलवार देर रात हुए भूस्खलन की चपेट में आ गया। घर का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब बची है तो सिर्फ 4 दीवारी। बोजे के इस घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति ने किस कदर यहां कहर ढाया है। अपना आशियाना गवा चुके तोपे बोजे ने बताया कि हादसे में घर तो तबाह हो गया लेकिन गनीमत ये रही कि उनकी बेटी की जान बच गई। ये सर ऐसा हुआ है, आज रात को 2:30 को हुआ है, लेकिन मेरा वो हम तो सोचा था 2:30 को इतना आवाज दिया है लेकिन देखा है तो मेरा बेटी का उधर में पूरा अचानक में ये पत्थर तो पूरा आ गया और ये आना भी तेरा उड़ा हो गया मेरा, लेकिन बेटी थोड़ा बच गया। मतलब इसमें कुछ जान का कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, ये तो उसका घर तो नुकसान हो गया लेकिन जान का तो नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, आदमी तो ठीक है बिल्कुल। बारिश के सुरौद्र रूप में ईटानगर के कई इलाकों में भी तबाही मचाई हुई है। बारिश के चलते जहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स की कई सड़कें पूरी तरह जर्जर हो गई हैं, वहीं पुलियां, सुरक्षा दीवारें और जल निकासी सिस्टम भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में आफत की बारिश के चलते 10 से 13 जून तक कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 13 जून तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कहर बरपा रही बरसात ने लोगों की जिंदगियों को भी थामसा दिया है। बारिश के सुरौद्र रूप में अरुणाचल सरकार को स्कूल बंद करने पर मजबूर कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 13 जून तक भारी बारिश होने की आशंका है जिसके चलते प्रदेश सरकार ने 10 से 13 जून तक स्कूल बंद कर दिए हैं। इस आफत की बारिश ने आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। कई इलाकों में तो लोग रोजमर्रा की जरूरतों से भी वंचित हैं। सड़क पर दुकान लगाने वाले लोग भी कुदरत के इस कहर के आगे बेबस हैं। वहीं कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने लोगों को हिदायत दी है कि वो भूस्खलन वाले क्षेत्रों और नदियों के किनारे ना जाएं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।